बेसन वाली भिंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ भिंडी को, एक भिंडी को देखिए 2 से 3 ही लंबे लंबे टुकड़ों में काटना है। अगर भिंडी छोटी है तो आप उसे सिर्फ 2 ही टुकड़ों में काटिए। तो इस तरीके से लंबे लंबे भिंडी को काट लेनी है। अच्छे से धोने के बाद मैंने इसे काट करके रेडी कर लिया है। अब हम इसे सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक नॉनस्टिक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून सरसों का तेल गरम कर लिया है। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून सौंफ और साथ में 1 पिंच हींग। अगर आप हींग नहीं खाते तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। अच्छे से कर लेंगे इन सभी चीज़ों को रोस्ट। अब इसमें कटी हुई भिंडी को हम ऐड कर देंगे और 3 से 4 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर, फुली हाई फ्लेम मत रखिएगा, मीडियम हाई, ताकि साथ में भिंडी भी पकती रहे और ये रोस्ट भी होती रहे। तो ये देखिए मीडियम हाई फ्लेम पे हम इसे 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। थोड़ी सी हल्की इसे हमें रेडिश कर लेना है भून करके। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट में ये भिंडी हमारी ये भूनने लगी है इस तरीके से। और अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, आप तीखी वाली भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर का, और साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी 1 छोटा चम्मच चाट मसाले का। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स, ताकि सभी भिंडी के ऊपर ये मसाले अच्छी तरीके से कोट हो जाएं। और अब फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे भून लेंगे, ताकि मसाले भी भुन जाए और साथ में भिंडी भी भुनती रहे। तो देखिए 5 से 7 मिनट में भिंडी इस तरीके से भुन गई है। अब यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून बेसन को रोस्ट करके एक पैन में रख लिया था। अब इसमें हम धीरे धीरे 1-1 चम्मच करके बेसन ऐड करते जाएंगे और बेसन ऐड करेंगे और साथ में इसे मिक्स करेंगे। तो जैसे जैसे आप बेसन ऐड करते जाएंगे, इसे चलाते जाएंगे, आपको अंदाज़ा लगता जाएगा कि इसमें और बेसन लगेगा या नहीं। तो ये देखिए इसे मैंने रोस्ट कर लिया है। मुझे अभी भी इसमें लग रहा है कि बेसन कम है, तो मैं थोड़ा 1 चम्मच इसमें और ऐड करूँगी। मतलब इस तरीके से आपको ऐड करना है कि सारी भिंडियों के ऊपर मसाले और बेसन इवनली कोट हो जाए और अलग से बेसन झड़े ना। और साथ में मैं इसमें नमक भी इसी टाइम पर ऐड कर दूँगी। और अब सभी चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो ये देखिए अलग से बेसन कहीं नहीं नज़र आ रहा, सारा का सारा भिंडी के ऊपर चिपका हुआ है। तो हमें इतना ही बेसन इसमें ऐड करना है कि सारा बेसन भिंडी की नमी से उस पर चिपक जाए। अब देखिए ये अच्छे से भुन गया है। तो लास्ट में इसमें हमें सिर्फ गरम मसाला ऐड करना है। आप चाहें तो नींबू भी 1 इसमें निचोड़ सकते हैं और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से हो चुका है रेडी, ये देखिए। और अब बस इसको आपको डिश आउट कर लेना है। आप इसे नॉनस्टिक पैन में बनाएंगे तो बहुत ही कम ऑयल में ये सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी।